औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के फार्म के समीप स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर गुप्त सूचना के आधार पर फ्लाइंग सर्विलांस की टीम ने छापा मारा है और इस दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000 रुपये और काफ़ी मात्रा में प्रचार सामग्री जब्त किया है। छापेमारी करने आए अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। छापेमारी के दौरान नगर थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह, SDPO संजय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर टीम के द्वारा की जा रही छापेमारी के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इसे सरकार की एक साजिश करार दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुलासा करो, खुलासा करो, खुलासा करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महागठबंधन प्रत्याशी को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरा वायरल हो गया है और जिला प्रशासन हमारे विरोध में, सरकार विरोधी हम लोग हैं। उनको जो है हमारे प्रचार को प्रभावित करने के लिए 8:30 बजे से अभी 11:30 बजे तक 3 घंटा लगभग आज अंतिम दिन है प्रचार का, और प्रचार कार्य प्रभावित करने के लिए, परेशान करने के नियत से। और सबसे बड़ी मतलब खुशी की बात है कि मतलब ये आप क्या कहेंगे, हमारे जो मेस के खर्च हम अपने वाहन छोड़ते थे प्रचार गाड़ी में, उसके लिए मेरे 50,000 रुपया था जिसको इन्होंने जब्त कर लिया, और ताकि इनका प्रचार प्रसार नहीं हो, इनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएं, खाना नहीं खाएं, इस तरह से ये लोग गंदे काम कर रहे हैं। किनके इशारे पर? अरे भाई किनके इशारे पर हो रहा है सब समझ रहे हैं। सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है और इस तरह की घटिया घटिया हरकत, इसको कहा जाएगा छोटी हरकत, ये मान लिया जाए विपक्ष की चाल है। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, जनता हमारे साथ है, आप सारे देख रहे हैं पीछे गरीब वर्कर मेरे साथ है, और इस चुनाव पे कोई रोकेगा नहीं, बेवजह जितना ही लोग परेशान कर रहे हैं उससे कोई इनको लाभ नहीं होगा और कुछ मिला भी नहीं। आज तक हम लोग का अनुमति है प्रचार प्रसार करने का, कार्यकर्ताओं को भेजने का, मगर हम लोग को जो है सवेरे 7:30 बजे से पूरे कार्यकर्ता को जो है डिस्टर्ब कर, एक भी कुछ नहीं मिला। किसके निर्देश पे छापेमारी की गई? पंचायत चुनाव आयोग के निर्देश, चुनाव आयोग के निर्देश। क्या पाया गया? क्या पाया गया सर 2.5 घंटे में? 2.5 घंटे की छापेमारी की गई, क्या पाया गया? पाया गया है 50,000 रुपया है। और क्या? और उसके अलावा सर? और प्रचार सामग्री है, कार्यालय है तो प्रचार सामग्री। इस पर क्या कहेंगे सर आप? इस पर क्या कहेंगे? नियमानुकूल कार्रवाई होगी। आदेश पर हमारे महागठबंधन प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी के प्रधान कार्यालय में 6 घंटा लगातार जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी किया गया, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी किया गया। हम सिर्फ एक जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले हताश हैं, निराश हैं, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं, हमारे वोटरों को निराश करना, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है, ये महागठबंधन का कार्यालय है जिसका नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय सोनिया गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, डी राजा करते हैं। हम ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई से राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग डरने वाला नहीं है, इसका नतीजा आगे आने वाला रिजल्ट में दिखेगा। 2.5 घंटे से जो है छापेमारी चल रही थी, क्या मिला जो है? किसके निर्देश पर छापेमारी की गई है? FST की टीम आई हुई थी, एक के द्वारा छापेमारी की गई है, उनके समर्थन। क्या पाया गया सर? FST मजिस्ट्रेट साहब ने बताया आपको, वही बात।